यहाँ इसका मुख्य समारोह है गांधी मैदान पटना में आयोजित होता है और इस शुभ अवसर पर इसके पूर्वाभ्यास के तौर पर आज इसकी तैयारी की गई है और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर 17 टुकड़ियाँ यहाँ पर परेड करेंगी और इसके साथ साथ झांकियों का भी प्रदर्शन है। 14 विभागों की झांकियाँ जो राज्य की विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है उसकी भी यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाएगी। उन सभी की तैयारियाँ कर ली गई। आम लोग भी इस बार आके देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आम लोगों के प्रवेश के लिए यहाँ पर दीर्घाएँ बनाई गई हैं और बिल्कुल कोविड के पूर्व में जो व्यवस्था रहती थी उसी के अनुरूप सारी व्यवस्था की गई है और उसी के अनुसार सभी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। देखिए 26 जनवरी को लेकर हम लोग जो है पूरे ज़िले में विशेष सावधानी बरत रहे हैं और खासकर जो राज्य स्तर का कार्यक्रम होता है यहाँ गांधी मैदान में उस संदर्भ में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रतिनियुक्तियाँ की हैं। जो गांधी मैदान के सभी जो महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं जिससे VIPs और आम नागरिक प्रवेश करेंगे उन सभी गेट्स पर, इसके अलावा गांधी मैदान के चारों तरफ भी हम लोगों ने प्रतिनियुक्तियाँ की। गांधी मैदान के जो आने वाले जाने वाले रास्ते हैं, इसके अलावा STF की भी QRT हम लोग को मिली है, उसको भी हम लोग जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं वहाँ पर डिप्यूट कर रहे हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से सुरक्षा को लेकर जो भी काम किए जाने वो सारे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने पूर्व से ही गांधी मैदान में अस्थायी थाना भी खोल दिया है, जो रोज यहाँ जो काम हो रहा है उसकी भी निगरानी कर रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे जो कार्य किए जा रहे हैं यहाँ निर्माण कार्य अस्थायी निर्माण कार्य उन सबकी भी निगरानी की जा रही है। कितने अधिकारी सर लगाए गए हैं गांधी मैदान पे? नहीं, जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट गेट्स हैं वहाँ DSP और एडिशनल SP रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण गेट हैं वहाँ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स के साथ पर्याप्त संख्या में जो है पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। होटल चेकिंग नहीं, इसका भी अभियान हम लोग का चल रहा है क्योंकि अभी जो है 22 तारीख का भी कार्यक्रम था तो उसके पहले भी हम लोगों ने चलाया था, तो लगातार हम लोग होटल चेकिंग वगैरह कर रहे हैं और सभी होटल वालों को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोकल PS के माध्यम से कि वो भी जो भी आगंतुक उनके यहाँ आ रहे हैं उनका पूरा डिटेल रखें और किसी प्रकार की इसमें इस अवसर पर कोई लापरवाही नहीं।